नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम मोबाइल चला रहे होते हैं तभी कोई भी व्हाट्सएप मैसेज कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि वहीं से आपको नोटिफिकेशन से ही आप जो है उसको जवाब दे पाएँ, उसको कैसे आप ऑन करेंगे, तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो अगर आप वहीं से जवाब देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सो नोटिफिकेशन फॉर रिसेप्शन टू मैसेज सेंड यू सेंड, यानी कि आप यहाँ से ही डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर आप ये आउट है तो इसको आपको ऑन कर देना है, और ये वाला भी ऑप्शन आपको ऑन ही रखना है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से नहीं सेंड करना आपको और नोटिफिकेशन भी ना दिखे आपको, तो यहाँ पे आप ये दो ऑप्शन आप ऑन कर देना है, ऑफ कर देना है, और ये दोनों ऑप्शन भी ऑफ कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन बार पे यहाँ पे आपको वो नहीं दिखेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का नहीं दिखेगा। इसको आप जब ऑफ करे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप ओपन करेंगे तभी आपको मैसेज या फोटो वीडियो जो भी है देख पाएंगे। तो आपको इसको ऑन ही करना है, जिससे आप आसानी से नोटिफिकेशन पे ही किसी को जवाब दे पाएँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको ये करना है। और अभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं है तो इस तरह मैं कोई बता नहीं सकता, लेकिन आप सभी ये ऑन रखेंगे, अगर कोई भी आदमी आपको मैसेज करता है तो आप यहाँ से जाके डायरेक्टली उसको क्लिक करेंगे, तो ये वो आपको रिप्लाई का ऑप्शन देगा। रिप्लाई पे आप क्लिक कर देना है। जैसे आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वहाँ पे आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं वो मैसेज टाइप कर देते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी फिल्म देख रहे हैं या बिजी हैं, वहीं से आप उसको लिख सकते हैं कि आई एम बिजी, या आई एम, मतलब जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते भी अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हैं, वंदे मातरम।